जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वक्त की दुखद खबर बीएसएफ जवान की तरफ से आ रही है। अभी हमारे साथ है सुचित यादव, आप क्या बोलना चाहिएगा? ये घटना जो भी हुआ है सो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि विरोधजनक घटना हुआ है। आपको बताते चले दोस्त कि यह घटना गुजरात से खेड़ा से निकल कर आ रहे हैं। खेड़ा में एक बेटी का फर्ज निभाते हुए बीएसएफ जवान ने उनके बेटी को अश्लील वीडियो वायरल करने के लिए उन लड़के के पास पहुंचा था। वहां पर लड़के के परिवार वाले ने लाठी डंडा से कूट कूट कर उनके मौत के घाट उतार दिए हैं। यानी इनके जो पिता थे, इनका लड़के का अश्लील वीडियो वायरल हो गया तो उनके परिवार के घर पे गए। हाँ, वो विरोध करने के लिए गए थे कि इस प्रकार से। बताया जा रहा है कि उस बेटी मात्र 15 वर्ष की उम्र की थी और उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की हरकतें में उनके पिता उतरे थे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, उन्होंने पूछने के लिए पहुँचे थे, वहाँ पर कोई मैंने लड़ाई के मामले में नहीं गया था, उनके ऊपर अत्याचार कर दिया था। हाँ। जरा सोच के देखिए दोस्त कि कोई भी परिवार अपने घर परिवार के लिए सोचता है, हमदर्दी रहता है, किसी का भी इज्जत है, किसी का भी माँ बहन बेटी होती है और वो अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए गया था ताकि उसका समाज में नाम ना खराब हो। यही ना भाई, यही था मामला। और कह सकते हैं दोस्त कि देश की सेवा करने वाला वो बीएसएफ में शामिल हुआ था देश की सेवा करने के लिए, तो वो देश की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग घर में अच्छा से खुशियाँ मनाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने बॉर्डर पर देश की सेवा देते हैं और अपना बेटी को जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ था उसको लिए वहाँ पे गए थे लड़के वाले के पास में, लेकिन लड़के के परिवार वाले ने मौत के घाट उतार दिए हैं। पूरा बताया जा रहा है कि लाठी और डंडे से कूट कूट कर मारा गया था और उसी के चलते उन्होंने बताया जा रहा है कि आरोपी अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि देश का जिस प्रकार से वो बीएसएफ जवान देश की सेवा दे रहे हैं और उनका एक गलत नज़रिया से समझे गलत नज़रिया से देखा गया, इसीलिए तो उनका आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं दोस्तों गुजारिश करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो भी गलत हुआ है बीएसएफ जवान के साथ, इनको न्याय मिलना चाहिए। और जितने भी अभी बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं एक पोस्ट के माध्यम से कोने में लिख दिए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान तक दे जाते हैं, तो क्या उनके परिवार के लिए हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं? उनके हक के लिए तैयार रहेंगे, उनको हो सके तो मुजरिम को जल्द से जल्द हो सके तो फांसी की भी सज़ा दे देनी चाहिए। हाँ, फांसी की सज़ा होना चाहिए क्योंकि एक बेटी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने वहाँ पे गए थे, अपना बेटी का जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ था उसका इज्जत संभालने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे लड़के वाले के परिवार ने कूट कूट कर उनके मौत के घाट उतार दिए हैं। बेहद ही शर्मनाक घटना है हमारे देश के जवानों के लिए और हम लोगों के लिए भी बहुत सर्वनाक है। और मीडिया वाले से हम यही गुजारिश करते हैं कि इस खबर को इतना फैलाइए, जिस प्रकार से आप लोग नेता मंत्री का वीडियो दुनिया के कोने कोने फैलाते हैं, पहुंचा देते हैं, और उसी प्रकार से ये भी वीडियो को फैलाइए ताकि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दोस्तों जरा सोच के देखिए क्या बीत रहा होगा उस परिवार पे, कैसे उसकी माँ रहेगा, एक वीरांगन पत्नी आज रो रो कर परेशान है, वीडियो के माध्यम से देखे होंगे वीरांगन पत्नी किस प्रकार से उसका बेटी रो रो के पागल हो गई है। जरा सोच के देखिए क्या गुजरता है, देश की रक्षा करते हैं हमारे, शर्म आना चाहिए नलायक तुम्हें ऐसे काम करने से, तुम्हें सोचना चाहिए। अपना बेटी का हक ही तो मांगने वहां पे गया था, नहीं तुमसे क्या आपका घर परिवार का जो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे भाई जवान सुचित यादव 3 के क्रिएटर और मैं पवन स्मार्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद भारत माता की।